सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब एकदम बहुत बढ़िया होंगे यार। तो आज की टॉपिक होने वाली है हाउ टू सेट डीपीआई, डीपीआई को सेट कैसे करना है, ठीक है। सो इसके लिए डीपीआई को सेट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा फ़ोन के सेटिंग में, और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है अबाउट डिवाइस। अबाउट डिवाइस पे टिक यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वर्जन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। वर्जन पर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर एक बिल्ड नंबर ऊपर दिख रहा है, आपको उसे 5-6 बार टैप करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब ऑप्शन ओपन होने के बाद आपका पासवर्ड ही मांग सकता है, ठीक है। कभी कभार किसी डिवाइस में नहीं मांगता है, किसी में मांगता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा इनेबल हो चुका है, सो इसके लिए दिखा रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर, ठीक है। सो यहाँ से कहते हैं भाई, क्योंकि हमारा पहले से एक्टिव है तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहले से एक्टिव है ये। जिसका एक्टिव नहीं रहता वो यहाँ से यूज़ करते हैं। सो आपके डिवाइस में एक्टिव नहीं होगा तो आप वहाँ से एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसके बाद हमको यहाँ पे सर्च करना है डेवलपर, डेवलपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे डेवलपर आ गया है। सो इसके हम थोड़ा नीचे से स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद आपको आपको ऑप्शन दिखेगा स्मॉलेस्ट विथ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो चाहिए आपको डीपीआई सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे फ़ोन के लिए मतलब 6 GB रैम तक के लिए 450 तक आप कर सकते हो, 500 तक, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप 450 तक करते हो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है 6 GB रैम वाले को। अगर आपका 4 GB रैम है तो आप कितना 450 इतना कर सकते हो, ज़्यादा हाई मत करना। 450 तक तो यार सब डिवाइसेस का रन कर सकता है स्मूथली, ठीक है फ़ोन। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन हो डीपीआई कैसे ऑन करना है, अगर कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आपको समझ में ना रहा हो तो आप कमेंट करना, ठीक है गाइस। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.